ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ, इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मैं चेतावनी के तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इस तरह का षड्यंत्र या साजिश करने की कोशिश की गई तो हम और हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट सरकार के बजा देंगे। चेतावनी में सरकार को देना चाहता हूँ। सोमवार का दिन दो अहम मुलाकातों के नाम रहा। पहली चंद्रशेखर आजाद की अब्दुल्ला आजम से अचानक हुई मुलाकात और दूसरी अखिलेश यादव की आजम खान के परिवार से हुई मुलाकात। और इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा हुई चंद्रशेखर आजाद की, जो कि हरदोई जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से अचानक मिलने पहुंच गए। ये घटना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक मूव मानी जा रही है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने अपनी ओर से साफ किया कि इनकी मुलाकात राजनीतिक बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने भाई से मिलने आए थे, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने लाजमी है और निकाले भी जा रहे हैं। ऐसे में मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, जैसे कि अब्दुल्ला आजम पर दर्ज मुकदमों की, आजम खान की तंजीम फातिमा की। लेकिन एक सबसे बड़ी बात अब्दुल्ला आजम को लेकर जो चंद्रशेखर आजाद ने कही वो थी उनकी सुरक्षा को लेकर। दरअसल चंद्रशेखर आजाद का साफ तौर पर कहना था कि भले ही अब्दुल्ला आजम ने उनसे बात ना कही हो, लेकिन जिस तरह की घटनाएं पहले वाले समय में हो चुकी हैं, उसके बाद मैं अब्दुल्ला की जान की सलामती की दुआ करता हूं। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने खुले शब्दों में चेतावनी देते हुए ये तक कहा कि अगर इस तरह का कोई षड्यंत्र रचा गया तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर न्याय कैसे मिलेगा? मुझे एक खतरा और है, ये मेरा पर्सनल है, मेरे बहादुर छोटे भाई ने मुझसे नहीं कहा। जिस तरह से पिछली कई घटनाएं हुई हैं, मैं उनकी जान की सलामती की प्रार्थना करता हूं और मैं सरकार से कहता हूं कि ठीक है, आपके विरोध अंतर विरोध हो सकते हैं, वैचारिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर कोई इस तरह का षड्यंत्र या साजिश करने की कोशिश की गई तो हम और हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट सरकार के बजा देंगे। ये चेतावनी में सरकार को देना। तो अब्दुल्ला आजम को लेकर चंद्रशेखर आजाद चिंता में हैं। उन्हें अब्दुल्ला आजम को लेकर कई तरीके के खतरे नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि उनके इस बयान के बाद सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है, क्योंकि वो सरकार की ईंट से ईंट बजाने की बात यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। वैसे क्या कहेंगे चंद्रशेखर आजाद की इस उलझन को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हरदोई से प्रशांत पाठक की रिपोर्ट, यूपी तक।